दिन का शोर तो सबको दिखता है, लेकिन अक्सर रात की शांति बहुत कुछ बयां करती है, जिसको ना तो कोई दिखाता है ना ही कोई उस पर बात करता है। इसी रात के अनसुने शोर को सुनाने और बेबस आंखों को दिखाने का फैसला लिया आवाज़ की टीम ने और जा पहुंची दिल्ली और यूपी के गाजीपुर बॉर्डर स्थित यूपी गेट पर। इनके मैनिफेस्टो में किसान होता है, इनकी रैलियों में भी किसान होता है, इनके भाषणों में भी किसान होता है, लेकिन इनके एजेंडे में किसान नहीं होता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया का खास प्रोग्राम आवाज़, और मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। किसानों ने एमएसपी पर क्या बोला, किसानों की पुलिस से किस तरह से झड़प हुई, ये सब तस्वीरें आपने देखी और इन बातों को भी आपने सुना। लेकिन जो आपने नहीं देखा, जो आपने नहीं सुना, उन चीज़ों को दिखाने के लिए, उन चीज़ों को सुनाने के लिए आज आवाज़ की टीम आ पहुंची है दिल्ली के और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर यूपी गेट पर। यहां से हम जानेंगे कि किस तरह से किसान रात में सोते हैं, जागते हैं, रोटियां बनाते हैं, आग तापते हैं, हुक्का पीते हैं, क्या क्या करते हैं किसान, वो सब जानने के लिए आज हम आ पहुँचे हैं यूपी गेट पर। तो आज की आवाज़ किसानों के नाम। किसान आंदोलन की तस्वीर लगातार बड़ी होती जा रही है। वार्ताओं का दौर जारी है, पक्ष विपक्ष सबके अपने तर्क हैं। सोशल मीडिया पर आई सपोर्ट इन सपोर्ट्स के ट्रेंड्स बनने लगते हैं। टीवी पर वाटर कैनन, जाम, बैरिकेड्स, पुलिस का भारी कुनबा और बेबस बैठे किसानों की तस्वीरें आती रहती हैं। हर बॉर्डर पर बैठे किसानों की आवाज़ हेडलाइंस में जगह पाती है, लेकिन सड़क पर किसान ये पूछते नहीं थकते कि सरकार हमारी बात कब मानेगी। दिन भर क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब खबरें आप तक पहुंचा दी जाती हैं, लेकिन रात में वही किसान किस हाल में है ये दिखाने की कोशिश कोई नहीं करता। हम आपको बताएंगे कि कैसे एक किसान जिसकी माँ कैंसर से पीड़ित है और अस्पताल वालों ने भी उन्हें आर्थिक तंगी के चलते बाहर का रास्ता दिखा दिया है, वो किस बेबसी के साथ यहाँ प्रदर्शन में बैठा है। देश भर में तमाम मुद्दों के बीच एक मुद्दा जो सबसे ऊपर लगातार बना हुआ है, हफ्ते भर से ज़्यादा हो चुका है, किसान सड़कों पर है, प्रदर्शन जारी है, वार्ताओं का दौर भी चल रहा है जो कि लगातार अभी तक विफल साबित हुई है। आज ही 8 तारीख को भारत बंद करने का ऐलान भी किया गया है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ किसान हैं, वो यहाँ पर हैं। रात में किस तरह से सोते हैं, किस तरह से खाते हैं, किस तरह से पीते हैं, व्यक्तिगत ज़िंदगी क्या है, उस पर भी बात करेंगे। ये बताइए, किसान यहाँ है, उसका घर कहीं और है, उसका भी परिवार है, उसके बच्चे किस तरह से रह रहे हैं, पापा की याद आती है या भाई की याद आती है, क्या है, इस पर थोड़ा सा दर्शकों को हमारे बताने की कोशिश कीजिए। सर, अब आप भी देख लियो जी, हम तो यहाँ जब बिल्कुल ठंड में पूरी रात अब यहाँ कैसे बिता रहे हैं। आज का तीसरा दिन है हमें, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। घर दो बच्चे हैं छोटे छोटे, घरवाली बीमार है, वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं जी कब आओगे। मैं कहा यो कुछ पता चल रहा है जी, अब जब कुछ यहाँ से सरकार का कुछ आश्वासन मिले जब भी तो यहाँ से उठें। घर वाले पूछते हैं कि क्या चल रहा है, क्योंकि घबराहट तो उनको भी होती होगी। काम हमारा ऐसे ही पड़ा है जी, किसानी का, गेहूँ को पानी भी लगना था, गेहूँ बोई जानी थी, मटर बोना था, वो सब ऐसे ही पड़ा है हमारा। हम यहाँ धरने बैठे हैं, हमारे पिताजी हैं, बुढ़े हैं, क्या करें। आपने कहा मरने जैसा हो गया, ये सीधे इतना डर कैसे बन सकता है कि आप सीधे मरने जैसी बातें करने लगते हैं, ये डर कहाँ से आता है। बस मरना ही हो गया जी, अब यहाँ बैठे हैं, पानी कोई और चला होगा, ना चला ना भी चला, एक भाव ऐसे दे रखे हैं। और एक पहली बात जी, एक मैं बीजेपी को मैंने वोट दी बहुत अच्छी तरीके से, एक काम करवाया था हमने अपने विधायक से, संगीत सोम से नामी है, मेरी मम्मी को कैंसर है और दिल्ली में इलाज चल रहा है, ये कोरोना की वजह से हॉस्पिटल बंद कर दिया, और तो कहीं कोरोना नहीं है, लोकनायक हॉस्पिटल है जी दिल्ली में आपका। ये बताइए, इस पर थोड़ा सा खुल के बताइएगा, मम्मी को कैंसर है, कब से कैंसर है, और मम्मी को जब कैंसर है वो अस्पताल में है, क्या कोरोना वाली जो आप जानकारी भी दे रहे थे वो पूरी बताइएगा, और कैंसर है आप यहाँ कैसे।
मम्मी को कैंसर है सर, 3 साल हो गए और 2 साल से मैं यहाँ दिल्ली में इलाज करा रहा हूँ सरकारी में। बहुत अच्छा इलाज चल रहा था मेरा, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे, पर जब से ये कोरोना बढ़ गया 2-3 महीने जब से बंद है ये हॉस्पिटल, मैं देख रहा हूँ कहीं भी कुछ सब खुल रहा है पर वही हॉस्पिटल नहीं खुल रहा। गरीब आदमी है जी, फ्री इलाज करा रहे थे, रेल में आके अपना किराया किराया लगता था, अब घर में मुझे लगाने पड़ रहे हैं जी, कंगाल हो गए बिल्कुल, कुछ पैसा वैसा नहीं रहा मेरे पे, कर्जा हो गया जी छत्ती पे बहुत ज़्यादा। मैंने कहा ना कि रात में मास्क नहीं लगाए, दिन में मास्क लगाते हैं, कोरोना रात में नहीं आता। रात में क्यों आएगा? प्रोटेस्ट में बैरिकेड्स तोड़ते ट्रैक्टर में बैठे आदमी, पुलिस से झगड़ते आदमी, भाषणों में सरकार को कोसते आदमी, पुलिस से वार्ता करते आदमी। वहीं कई ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस आंदोलन में अपने पति, पिता, बेटे और भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। उनके छोटे बच्चे घर में रिश्तेदारों के हवाले सलामत हैं, तो वो यहाँ सरकार से लोहा ले रही हैं और बता रही हैं कि जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानती वो वापस नहीं जाएंगी। और उनकी इस बात पर मुहर लगाते हैं उनके साथ दिख रहे कपड़ों से भरे बड़े बड़े बैग, राशन की बोरियां, चादर और रजाई। तो इसी बीच मेरी नज़र यहाँ पर पड़ी, कुछ यहाँ पर महिलाएं भी थीं जो ये पुल है, पुल के बीच में जो बड़े बड़े उसको संभालने के लिए, सपोर्ट के लिए जो बनाए गए हैं, उनके नीचे यहाँ पर सो रही हैं। बहुत ही पतला, एक दरी से भी पतला एक चादर नुमा है उसको बिछाया हुआ है, उस पर सो रही हैं। आप प्रदर्शन में आई हैं? हाँ आई हैं। आप प्रदर्शन में आई हुई हैं, सबसे पहले ये बताइए कि आप किस ज़िले से आई हैं, नाम आपका क्या है? अमरोही ज़िले से। ज़िले से आप उस ज़िले से आई हैं, ये बताइए प्रदर्शन में आप कब से आई हुई हैं? 8 दिन हो गए। 8 दिन हो गए। घर पे और कौन कौन है अभी फ़िलहाल? घर पे आपके कौन है? बालक हैं छोटे छोटे। पति कहाँ हैं आपके? यहाँ पर ही हैं। यहाँ पर ही हैं। आपकी लड़ाई सरकार से है, किसको लेकर? न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर है? हाँ। आप भी बताना चाह रही, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर लड़ाई है आप? हाँ, हमारी न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के हैं। जैसे कि सरकार ने मक्का का रेट 1850 रुपए किया सरकारी रेट, लेकिन 800 में मक्का भी की हमारी। अगर ये बीच के उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं तो फिर वो क्यों नहीं हुआ? जो रेट सरकार घोषित कर रही है ज़मीन पे क्यों नहीं उतर रहा? वो हमारा गन्ना हरियाणा के किसानों का कुछ और रेट है, हमारा 50 रुपए कम है यूपी का, तो ऐसा क्यों? गन्ना तो सबका एक सा ही है। अगर आप कह रही हैं कि वहाँ के किसानों का ज़्यादा रेट में बिका है, तो फिर वहाँ के किसान क्यों धरने पर आ गए? वहाँ के किसान उनके वो भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए लड़ रहे हैं। आलू रोड पर पड़ा रहता, आज हमारा जो धान चावल बिका है वो 40 रुपए से ज़्यादा नहीं बिका, जबकि वही चावल हमारा जो किसान, हमारा जो जवान सीमा पर लड़ रहा है, ये जो पुलिस वाले, इनको 100 रुपए किलो मिल रहा है, ऐसा क्यों? कह रही हैं कि जो उगा रहा है, जो धान की खेती कर रहा है वो कम में बेच रहा है, और जो खरीद रहा है, जो कंज्यूमर है, वो महंगे में खरीद रहा है। ये जिनका कुछ लेना देना नहीं है इससे, पूरे प्रक्रिया से, वो पूरा मुनाफा खा रहे हैं। किसान को बाजार भाव से दूर कर दिया। जैसे कि एक कोई फैक्ट्री बनाता है, सुई की फैक्ट्री लगी, सुई जब बाहर निकलेगी फैक्ट्री से तो उसका लाभकारी मूल्य लगा करके तब बिकेगी सुई, 25 पैसे की सुई 1 रुपये में बिकेगी। किसान को लाभकारी मूल्य तो जब मिलता, उसकी कमाई का भी नहीं मिलता। किसान के बच्चे सारे दिन भर काम करते हैं, महिलाएं भी काम करती हैं, जबकि इनकी औरतें सब एसी में रहें हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन कर रहे हैं, ये पेपरों कागज़ों में दिखा रहे हैं। किसान की बेटियों के लिए क्या कर दिया इन्होंने? ये बैग किसका है? हमारा। बैग आप लेके आई, अपने साथ कपड़े भी लेकर आई हैं? कपड़ों से भर रहे आप बैग, हम चादरों पे पड़े हैं, हमारे बच्चे तो ना, अब ये क्या करने जा रहे हैं? एमएसपी करके किसान को गुमराह कर रहे हैं। ये
ये करना चाहते हैं कि छोटे छोटे किसानों की, जैसे हम जैसे किसान हैं 5 बीघे 10 बीघे वाले, उनकी ज़मीन को हम ज़्यादा महंगे रेट पर लेंगे ठेके पे, और ठेके पे फिर एक बड़ा सा फार्म बना लेंगे कि अंबानी जैसे को किसी को व्यापारी को बेच देंगे। उसे बेचने के बाद वो खेत जब एक हो जाएगा तो किसान को ये भी पता नहीं चला मेरा मैंड कहाँ से थी, और 10-20 साल बाद फिर हमारी ज़मीन हमसे छिन जाएगी। किसान के बच्चे यूँ सोचेंगे, जब महंगा रेट मिल रहा है तो हम सस्ते में क्यों दें, और जब कुछ दिन बाद इसी तरह होता रहेगा तो ज़मीन ले लेंगे हमारी, हम क्या करेंगे बताओ। जब ये जो डर है, ये बहुत बड़ा डर है, ये बताइए ये आपको किसने बोला कि आगे चल के ज़मीन बेचने जैसी स्थिति भी बन सकती है? जबकि वो कह रहे हैं कि हमने जैसा MP में देखिए, छोटा किसान को रहा ही नहीं हुआ, MP में इनकी सरकार है, छोटा किसान को रहा ही नहीं हुआ। 5 बीघे का 10 बीघे का किसान वो मजदूरी कर रहा है, उन्हीं का बीज बोएगा, उन्हीं का खाद बोएगा, और व्यापारी आकर के रेट लगाएगा। अब तक क्या था, हमने आलू लगाया और आलू हमने अपनी मर्जी से लगाया, तो हमारा इतना आलू है या इतना आलू है या इतना आलू है, वो हमारा सारा मंडी में बिक गया। अब जो कंपनियाँ लेंगी, प्राइवेट आदमी जो लेगा, आप जानते हो निजी हाथों में जो भी चीज़ चली जाती है वो अपनी मर्जी से करता, मनमानी करता है, जबकि सरकार के कुछ उन पर दबाव होता है। जैसे चीनी मिलें जो सहकारी हैं उन पर दबाव है हमारा, और जो चीनी मिलें पोंटी चड्ढा को बेच दी, उनको बेच दी थी पहले मायावती ने, उन पर हमारा कोई दबाव नहीं, वो रेट हमारे पैसे भी नहीं देते एक एक साल। देखिए राजनीतिक समझ जो है वो आपकी काफ़ी मजबूत है जी। आप किसान भी हैं, घर भी चलाती हैं, ये इतनी राजनीति के बारे में जानकारी आपने कहाँ से की? रोज़ाना TV चैनल चल रहे हैं, रोज़ाना न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, बच्चे सबके पढ़े लिखे हैं। अब किसान बिना पढ़ा तो रहा नहीं, जैसे पहला बिना पढ़े पहले थे, अब हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, हमारे बच्चे भी बताते हैं हर बात को। तो आप विचार करिए कि हमने उससे हिसाब लगाते हैं, हम जब बैठते हैं अपनी मीटिंगों में तो हम ये हिसाब लगाते हैं कि मायावती बहन जी ने एक बार UP में चीनी मिलें बेच दी थी, निजीकरण करवा दिया, उन चीनी मिलों पर हमारा इतना दबाव नहीं बनता कि हम अपने गन्ने का पैसा भी वापस ले लें, धरने लगाएं, कुछ करें। और जो सहकारी मिले हैं, हम रोड पर उतर आए या DM से शिकायत करें या ऊपर शिकायत भेजें तो हमारा पैसा मिल जाता है। चाचा बड़े ध्यान से सुन रहे हैं आपकी बातों को, यहीं पर अटक गए हैं। अच्छा आपके साथ हैं? अच्छा, जिले से 6 ट्रैक्टर आए मेरे जिले से, कुछ महिलाएं भेज दी हैं, बीमार हो गई थी। तो कहने का मतलब ये सरकार अच्छी है क्योंकि देश को चला रहे हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, पर हम ये चाहते हैं किसान को भी अपने विश्वास में ले। और यदि आप जो काम कर रहे हो, मान लीजिए आप मेरे लिए कोई पैकेज लाए, उसमें भले कितना अच्छा धंधा लाए हो, लेकिन मैं नहीं जान पाऊँ क्या दे गए आप, और बिना जानते हैं आप क्या दे गए, तो मुझे क्या पता चले उसका पता क्या चलेगा, उसके स्वाद का क्या पता चलेगा। आप रबड़ी ले आए, रबड़ी मैंने खा कर नहीं देखी, पैकेट में बंद है। तो पैकेज में बंद, जब से आज़ादी आई है तब से आज़ादी आम जनता के लिए नहीं आई, किसान के लिए नहीं आई, बल्कि नेताओं के लिए पैकेजों में आज़ादी आई, वही आज़ादी आज उनके लिए अब भी है। देखो देश में 58% जो लोग हैं वो सीधे तौर पर एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं, तो जहां इतने सारे लोगों की बात हो तो वहां पर वो वोट बैंक बन जाता है, और जहां वोट बैंक होता है वहां पॉलिटिक्स जो है वो हो ही जाती है, इस बात को आप समझती होंगी। ये बताइए ये बैग आपका है, इस बैग में मैंने देखा बहुत सारे कपड़े हैं, ऊपर तक पूरा भरा हुआ बैग है आपका, मुझे ये समझाने की कोशिश कीजिए, जब लगातार वार्ता चल रही है, आज वार्ता कल वार्ता परसों वार्ता, ऐसे करके वार्ताओं का दौर चल रहा है, वार्ता विफल हो रही है, फेल हो रही है, पास हो रही है, वो आप बेहतर बता सकती हैं, लेकिन ये आपको कैसे पता लगा, आप इतनी आश्वस्त कैसे हो गई कि ये जो आपका प्रदर्शन है ये लंबा चलने वाला है, कि आप पूरा बैग जो है पूरा भर के लाई हैं, ऐसा लग रहा है महीने भर के कपड़े हैं इसमें? ये हम तो इस हिसाब से आए थे कि जब तक आर पार की लड़ाई ख़त्म नहीं हो जाएगी तब तक हम जाने वाले नहीं। आर पार एक दिन में नहीं हो पाएगा, ये कैसे पता? एक दिन में होता, देखिए ऐसा है, तीन चार दिन से वार्ता हो रही है, फिर हमारे लोग फिर दोबारा गए, हमने अपने बैग मंगा लिए, पहले 2-2 जोड़ी कपड़े लाए, अब ज़्यादा रख लिए। जब रोज़ाना विफलता मिल रही है, और आज जो टिकैत साहब ने 8 तारीख भारत बंद करने का निर्णय लिया है, तो कुछ ना कुछ कमी तो रही होगी। यदि सरकार कल मान ले तो हम कल चले जाएंगे। टिकैत साहब ने भारत बंद करने का निर्णय लिया, निर्णय शाम को लिया, आप तक ये खबर कैसे पहुंची? शाम को लिया, मीडिया से पता चल जाता है, ये तो मीडिया आप देख रही हैं, यहाँ पर बैठ के मीडिया देख रही हैं, लगातार मीडिया से फॉलो अप ले रही हैं आप, बच्चे बता रहे हैं हमारे,
बच्चे बता रहे हैं कि मीडिया पे ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा, घर में न्यूज़ चला रहे हैं बच्चे रोज़ाना, दे बता रहे हैं कि ऐसा आज तो तुम्हारे यहाँ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, इसलिए उन्होंने बताया। आज तो कुछ नया निर्णय ले लिया उन्होंने, बोले क्या, बोले 8 तारीख को भारत जाम है, मैं हम भी साथ रहेंगे। अच्छा ठीक है, उन्होंने बोला, वो बड़े नेता हैं, उन्होंने बोला कि भारत बंद है 8 तारीख को, इससे आप क्या समझी, कहाँ भारत बंद करेंगे आप? जहाँ जो जिस गांव में होगा गांव की रोड बंद करेगा, जो शहर में होगा शहर की रोड बंद करेगा, हाईवे जाम करेंगे, रेलवे जाम करेंगे। आप यहाँ बैठी हैं, आप कैसे जाम करेंगे? हमारे और किसान करेंगे और महिलाएं करेंगे, हमारे अभी तो 1% 2% जब किसान की पत्नी धरने में है, किसान खुद धरने में है, तो वहाँ पर कौन जाम करने जा रहा है? हम अभी किसान 2% धरने में है केवल, अभी तो किसान सारा वहीं रह गया घरों में ही, और जब हम आदेश कर देंगे खेतों का किसान रोड पर आ जाएगा। 2% किसान धरने पर है, 98% किसान घरों पर है। ठीक है, ये बताइए 98% किसान तक बात क्यों नहीं पहुंची, वो धरने में शामिल क्यों नहीं हो पाए? आ रहे हैं, जितना जितना आदेश कर रहे हैं ठीक है सब उतने उतने आ रहे हैं, अगर कल निर्णय नहीं होता तो कल बहुत ट्रैक्टर यहाँ हो जाएंगे, आप देख लेना, खुद ही देखना आप कल का। वो पूरे प्रदर्शन की जो कमान है वो टिकैत साहब ने अपने हाथों में कर रखी है जी, आप टिकैत साहब के कहने पर यहाँ पर हैं, अगर कल को कृषि मंत्री खुद उठकर यहाँ पर आ जाते हैं और वो आपसे कहते हैं, साइन करके दस्तखत करके आपको दे देते हैं कि ये लीजिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ ही आपका जो भी है धान है वो बिकेगी, ये बताइए, और टिकैत साहब कह देते हैं कि आपको भी वापस नहीं जाना है? जो मैं न्यूनतम समर्थन मूल्य दिखा रही है वो ज़मीन पर नहीं है, करनी और कथनी में अंतर हो रहा है, अभी भी हमारे उसको सामान को ऐसे लोग खरीद रहे हैं जो बीच के बिचौलिए हैं, जब समर्थन मूल्य सरकार कर रही है वो करे बिचौलिया। जब समर्थन मूल्य था तब भी तो बिचौलिए थे, तब भी थे, तब हम अपने बेच तो सकते थे मंडी में, मैंने कहा जब हमने आलू लगाया तो हमारा सब तरह का आलू बिक सकता था, अब जो कंपनी वाला आएगा वो हमने देखा है किसी किसी का बीज बोया जिस किसान ने कंपनी वाले का, तो वो इतना बड़ा आलू लेता केवल इतना, बाकी हमारा इतना हो या छोटा हो वो आलू सब वहीं पड़ा रह जाता, वो कहीं नहीं बिकता, बिकेगा जब मंडी नहीं चलेगी तो आलू वो भी नहीं बिकेगा, इसलिए हम कहते हैं, हम चाहते हैं कि हैं जी गन्ना, यदि निजी हाथों में चीनी मिल चली गई थी कुछ दिन, हमारे गन्ने की बेकदरी हो गई, अब अगर मिल नहीं चलती है तब तक गन्ने की बेकदरी होती है, 200 रुपये किलो कुंटल बिकता है, तो उसी तरह से बहुत सारी बातें हैं। अच्छा ये बताइए, रात का 1 बज रहा है और ये दिल्ली और यूपी का बॉर्डर है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, पतली सी दरी है, पतला सा ये भी कुछ ओढ़ने का ही लग रहा है मुझको, और पतली सी शॉल है, ठंड जो है लग नहीं रही है या प्रदर्शन को लेकर ठंड से पीछा छूट चुका लग रही है? ठंड क्यों नहीं लगेगी? घर से राशन ले आए आप, कच्चा चावल ले आए, दाल ले आए, यहाँ कैसे बना रहे हैं, कहाँ है? हमारे पास चूल्हे हैं, कुछ वो सरदार भाई हमारा सहयोग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, मैं BM सिंह वाले हमारे सब एक हैं अब, तो वो भी हमारा उस दिन भर भंडारा चलाते हैं, कभी केले दे रहे हैं, कभी खाना दे रहे हैं, और हमारे सब इनमें ट्रैक्टरों में सिलेंडर हैं, हम जब चाहते हैं खिचड़ी बना के खा लें कभी भैया, कभी अपने चाय बना के पी लें, उसी तरह से अपना टाइम काट रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सो जाइए, आराम करिए, चूँकि बड़ी देर से ताऊ जो थे यहाँ खड़े थे, ताऊ पीछे से देख रहे थे और लगातार पीछे से बातों ही बातों में इशारे कर रहे थे और बातों ही बातों में बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना इनसे भी बात की जाए। ये बताइए, नहीं 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 बैठ के करेंगे बात, नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल बैठ के बात कर लेंगे, 1 मिनट का समय दीजिए, हुक्का हाथ में, हुक्का मारने जा रहे हैं आप, ये बताइए कब से यहाँ पर आए हुए हैं? 27-28 तारीख दिखे थी, रात का समय है, सोने जा रहे हैं, टोपी लगाए हुए सोते नहीं कते, पहरेदारी का ड्यूटी आज हमारी, हमारे जिले से यहाँ पर अच्छा ड्यूटी लगाई जाती है, कोई वॉलंटियर कोई बाहरी आदमी आप आए गए थे, मेरी निगाह एकदम यहाँ आई, मैंने बीबियों के पास कौन बंदा आया, इधर कोई गाड़ी आउटसाइड से आ जाती है, वहाँ बैरियर लगा रखा, वहाँ तापने के लिए हम लोग। अच्छा ये चीज़ आपने एक नई बताई कि ड्यूटी लगाई गई है, जो प्रदर्शन में जो लोग आए हुए हैं उनको आपस में ही ड्यूटी असाइन की गई है कि आप पहरेदारी करिए, ये देखिए कि बाहर का तो कोई नहीं आया, आउटसाइडर तो नहीं आ रहे, रात में बीबियाँ भी हैं, वृद्ध भी हैं, कोई इस तरह का कोई अफवाह ना फैला दे, कोई किस तरह की सोते हो भड़क जाए, अब ये सोते हो जगाओगे नहीं आप तो डर के भ्रमित हो जाता व्यक्ति, कोई भी हो आप हो या हम हो,
तो इसी से 4-5 आदमी वहाँ बॉर्डर पर ड्यूटी लगाई हुई है। मैं हुक्का भरने के लिए बताऊँ, बोले नींद तो नहीं आएगी अभी, मैंने नहीं, बोले हुक्का भर के दो मुझे। मैंने ठीक है भाई बाबा, हुक्का भर के दूंगा, तो हुक्का भरने की ड्यूटी। 1 से 1.5 करोड़ आदमी दिल्ली को घेरेगा किसान। हम वो लाइन काटेंगे, रोड चल रहे हैं हमारे खेतों को जा रहे हैं, उन्हें खोदेंगे रेलवे की, हम उसकी पटरियां उधेड़ेंगे, सरकार को मानना ही पड़ेगा। मैं मोदी जी का सबसे बड़ा फैन हूँ पूरे वर्ल्ड के अंदर। और मोदी जी सरकार हैं और आप सरकार ही के खिलाफ यहाँ सड़क पर हैं। सरकार के खिलाफ नहीं, जैसे मैं इस देश का एक अच्छा नागरिक हूँ, एक अन्नदाता भी हूँ, किसान का बेटा हूँ मैं किसान का बेटा हूँ। और जब मुझे लगेगा, हाँ मैं विश्वास से कह सकता हूँ, ये मोदी जी ने नहीं बनाया, मोदी जी से अलग किसी ने कंधे में बंदूक धर के ये बनाया है कानून। और मोदी जी को इसका बाद में पता लगेगा थोड़े दिन रुक के कि हाँ वाकई इसमें खामी है। अभी 5-4 दिन के अंदर 1 से 1.5 करोड़ आदमी दिल्ली को घेरेगा किसान। अन्नदाता पूरे देश का पेट पालता है, आज अपने पेट के लिए यहाँ पर सो रहा है, लेटा हुआ है, जो भी है। घर पर कौन है अभी आपके? घर पर सिर्फ दो बच्चे हैं। उन दो बच्चों को छोड़कर आप यहाँ प्रदर्शन में हैं? एक बच्चा है 14 साल का और एक 16 साल का। कितने दिन हो गए यहाँ पर प्रदर्शन में आए हुए आपको? ये हम तो 27 तारीख को आ गए यहाँ। 27 को आ गए, घर पर बात हो रही है? हाँ, घर पर बात होती रहती है। बच्चे पूछते नहीं है कि पापा कब आएंगे, कहाँ हैं? उनको प्रदर्शन का मतलब समझ में आता है अभी? हाँ, किसान के बच्चे प्रदर्शन का समझ में तो आता, क्यों नहीं आएगा भाई, उनका रोजी रोटी से जुड़ा हुआ मामला है ना। देखिए ये भैया जैसे कि बताए कि सरकार जो है वो सुन नहीं रही है, अनसुना कर रही है, लेकिन कृषि मंत्री तो जगह जगह बैठ के ये बोल रहे हैं कि किसान जो है वो भ्रमित है, विपक्षियों द्वारा बरगलाया जा रहा है, या उन तक आप तक बात नहीं पहुँच पा रही, या उनको आपकी बात सुनाई नहीं दे रही। सरकार तक बात जा रही है मगर सरकार अनसुनी कर रही है, मगर इस अनसुनी को किसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, अपना हक लेके ही जाएगा। सरकार कितनी भी अनसुनी करे, ज़्यादा करेगी, हमारी ये बात नहीं सुनेगी, तो जो लाइन चल रही है, लाइट बिजली की हमारे खेतों में चल रही है, हम वो लाइन काटेंगे, रोड चल रहे हैं हमारे खेतों में जा रहे हैं, उन्हें खोदेंगे, जो लाइन चल रही है इसकी रेलवे की, हम उसकी पटरियाँ उधेड़ेंगे, सरकार को मानना ही पड़ेगा, नहीं मानेगी तो हम सारे काम करेंगे। पटरियाँ उधेड़ देंगे, लाइट काट देंगे, प्रदर्शन हिंसक हो जाएगा, अहिंसक नहीं रहेगा? अहिंसक हो जाओ, आखिर में क्या करा जाएगा? जब हम मरेंगे, हमें बच्चों को खाना नहीं मिलेगा, बच्चे पढ़ा नहीं पाएंगे, तो आखिर में क्या करेंगे? आपको इल्म है इस बात का कि हिंसक प्रदर्शन जो होता है एक आंदोलन की कमर तोड़ देता है, तो इस बात से आप कैसे इत्तेफाक रख सकते हैं कि प्रदर्शन हिंसक हो जाने से सरकार आपकी सुनेगी? इसीलिए शांत बैठे हैं कि हमारी अहिंसक ना होकर पहले सुन ली जाए, जब यहाँ ना सुनी जाएगी तो आखिर में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। टिकैत साहब हमारे मसीहा हैं। टिकैत साहब ने कह दिया, आपको खुद परेशानी महसूस हुई? मैं तो परेशानी महसूस थी, टिकैत साहब जब हमारे आदेश देते हैं। ये बताइए कृषि कानूनों में गड़बड़ है या कृषि कानूनों में कुछ कमियां हैं, ये टिकैत साहब ने बताया तब आपको समझ में आई, या फिर आपको खुद से एहसास था? मालूम था, लेकिन हमारी कड़ी जुड़ी हुई है वहाँ से। नेता ने भी बता दिया और पहले से भी इल्म था इस बात का। ये बताइए, ये सफ़ेद रजाई, ये रंगीन बीच में कैसे आई? कम्बल है, ये ओढ़ लेते हैं, जैसे कम सर्दी होती है तो इसे ओढ़ लेते हैं। घर से लाए हैं, ठीक है। ये सामान भी आप घर से लेकर आए सारा? 14-15 लिया है, और आगे नीचे लेटे हैं हमारे लोग, कुछ और आ रहे हैं अभी, घर से आ रहे हैं लोग, अभी हमारे आते रहते हैं लोग, अभी आ रहे हैं, आने वाले हैं कुछ देर में, 15-20 लोग और आ रहे हैं। तो सोने जा रहे हैं, टोपी कहाँ लगाए? टोपी तो हर समय रहती है, रात में सोते समय भी टोपी बिल्ला लगा रहता है, जेब में पर्स वो रहता है, बाबा टिकैत का सब कुछ है मेरे पास, हर बात रहता है। आप तो टिकैत साहब के बड़े वाले भक्त लग रहे हैं जी। भक्त क्या? अगर ऐसा है ना, अगर मेरे को आपकी बातों से ये समझ में आ रहा है, ये निकल कर आ रहा है मूल बात, कि अगर टिकैत साहब बोल दें कि चलो ठीक वापस चलते हैं, तो आप चले जाएंगे वापस? ना, ऐसे कैसे चले जाएंगे, हम उनसे पूछेंगे उनसे भी कि ये हुआ वापस काला कानून? कह देंगे नहीं हुआ या हुआ वो अलग बात है, वो तो हम उनसे जवाब लेंगे, उनसे भी हमारे नेता तो हैं, उनसे जवाब तो ले सकते हैं कि साहब हम जो पढ़े 8-10 दिन से यहाँ काय के लिए पढ़े। सरकार यहाँ चलकर खुद आ जाए, प्रतिनिधि उनका खुद आ जाए कोई यहाँ पर, आपसे बात हो और आपको भरोसे में लिया जाए, लिख कर दिया जाए, कागजी हो जाए, बातें कागजी हो जाए, बातें कागजी हो जाए,
वो आपको भरोसा दिला दें, बातें कागजी हो जाएं, लिख कर दे दें, आप वापस चले जाएंगे टिकैत साहब जब तक आदेश ना करें उससे पहले? हाँ, टिकैत साहब से ही तो करेंगे, हमसे बात थोड़ी करेंगे, हम वो बात हम तो टिकैत साहब के ऊपर छोड़ देंगे, आप बात करके आओ, वो आश्वासन दें, लिख के दें, टिकैत साहब को लिख के दे दें, तो हमें कोई खुशी थोड़ी लग रही है यहाँ, घर छोड़े पड़े, हर आदमी चाहता है अपने बच्चों से। कार भी तो खाती है ना, नेता भी तो अनाज खाती है, सरकार को कहाँ दिख रहा है, सरकार तो खा रही है सोने के सिक्के विदेशियों के साथ जाके, और हम अगर हम यहाँ बैठे तो क्या कहेंगे, कोरोना हो गया, किसी किसान को बता दियो कोरोना, एक किसान को ना हो सकता, मेहनत करते हैं हम, विदेशियों के साथ जाके सरकार सिक्के खा रही सोने के, किन की बात कर रहे हैं? मैं ट्रंप की बता रही हूँ, ट्रंप तो चला गया, आया उनने तो फैलाई की बीमारी, जितना से बोया उतना से बीमारी आई है गए। अच्छा ठीक है, आपने कहा कि ट्रंप आया, ट्रंप ने बीमारी फैलाई, अगर मैं गलत नहीं हूँ, एक सेकंड सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपने ट्रंप का जिक्र किया और कहा कि बीमारी उन्होंने फैलाई, बीमारी से कोरोना है ना, कोरोना की बात की ना आपने, कोरोना है बीमारी है मानते हैं आप, मास्क नहीं लगाए हैं आप, मैं इस पर आना नहीं चाहता था, लेकिन मास्क आप भी नहीं लगाए, आप भी नहीं लगाए, अब आप ट्रंप को सीधे ले जा रहे हैं कि ट्रंप ने बीमारी फैला दी, सो रहे हैं हम लोग, हमें आपने उठाया, कोरोना दिन में आता है कि रात में आता है? अरे हर वक्त मानते हैं, हम मानते हैं, आपने कहा ना कि रात में मास्क नहीं लगाए, दिन में मास्क लगाते हैं, कोरोना रात में नहीं आता, रात में क्यों आएगा? कोरोना की आंखें नहीं होती ऐसा कुछ, आंखें क्या होता है, अब हम लैब में पड़े हैं दवाई में। एक तमाम किसान यहाँ पर ट्रैक्टर को एक कमरे के रूप में तब्दील कर यहाँ बैठे हुए हैं, यहीं सोने का इंतज़ाम किया हुआ है, रजाई घर से लाए हैं, खाने का सामान है, टावल है, ब्रश है, कंघी है, पूरा का पूरा इंतज़ाम कर यहाँ आए हैं, और साथ ही बता रहे हैं कि जब तक आर पार नहीं हो जाती बात, तब तक ही यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, यहाँ का किसान लगातार हफ्ते भर से ज़्यादा हो चुका है यहाँ पर धरने पर बना हुआ है, सिंधु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, यूपी गेट, हर जगह किसान से झड़प की खबरें आ रही हैं और प्रदर्शन जारी है। इसी बीच हमें यहाँ पर कुछ लोग मिले जिन्होंने बताया कि वो उत्तराखंड से आए हैं, युवा हैं और आज ही प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, इनसे बात करते हैं। नाम बताइए और किस जगह से आए हैं उत्तराखंड में? मेरा नाम ओशन यादव है, मैं रुद्रपुर से आया हूँ, उत्तराखंड के रुद्रपुर से, यूपी बॉर्डर लगता है वहाँ से आया हूँ, धर्म सिंह नगर रुद्रपुर। देखिए ये बताइए, आपकी उम्र देखने में कम है बाकी लोगों के मुकाबले, आप युवा हैं, पढ़ाई लिखाई जॉब इस तरफ रुझान जाता है, आप किसानी करते हैं साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं, जब किसानी रहेगी तभी तो सब कुछ रहेगा, किसानी हमें खिलाते हैं, सब कुछ जो है सब किसान से है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं, हम अपने रोटी के लिए आए हैं। आप अपनी रोटी के लिए आए हैं, आपकी रोटी छिन रही है, ये किसने कहा आपसे? ये रोटी हम जान रहे हैं हमारी रोटी छिन रही है, ये हमें पता है, हम पढ़े लिखे हैं, हमें पता है कि हमारी रोटी छिन रही है, ये जो बिल आया है ये काला कानून है। उत्तराखंड से और कितने लोग आए हैं? उत्तराखंड से भाई साहब बहुत लोग आ रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली आ रहे हैं, जिसकी कॉन्टीन्यूस कोई गिनती है ही नहीं है। ये बताइए, ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, इतनी शायद व्यवस्था भी नहीं हो सकती जितनी व्यवस्थाएं अक्सर घरों में जितनी व्यवस्थाएं होती हैं उतनी व्यवस्थाएं भी नहीं हैं। आप ये बोलते हैं ये बहुत मजबूत हैं, समझ में आता है, आपका कैसे? नहीं मजबूत, हम तो अभी आए हैं और हम यहाँ पे जब वापस जाएंगे, जब तक ये कानून वापस नहीं ले जाए तब तक हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, चाहे हमें बाहर सोना पड़े या हमें जगह मिले या ना मिले, तो हम वापस तभी जाएंगे जब ये कानून वापस लिया जाएगा, तो उससे पहले हम लोग वापस नहीं जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए तमाम सरकारें, कांग्रेस रही हो, भाजपा रही हो, दावा करती रही हैं कि हमने किसान के कच्चे मकानों को पक्का बनवा दिया, किसान के यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी पानी की व्यवस्था करा दी, किसान के यहाँ बिजली नहीं थी बिजली लगवा दी, लेकिन जब किसानों से बात करते हैं तो सच निकल कर सामने आता है कि दरअसल जिन किसानों के बच्चे बाहर पढ़ने निकल गए या जिन किसानों के बच्चों ने बाहर शिक्षा ग्रहण कर ली उन्हीं के घर पक्के हैं, बाकी अभी भी कच्चे मकानों में रहने को मजबूर है। एक तरफ गुस्सा बेपनाह है, परेशानियां हैं, डर है, आंखों में नींद नहीं है, तो वहीं जाते जाते हमने दूसरी तस्वीर एक ऐसी भी देखी जहां मानसिक थकान मिटाने के लिए मनोरंजन का सहारा लिया जा रहा था, युवा मदमस्त होकर नाच रहे थे और सब इसी आस में थे कि आने वाली सुबह अच्छी खबर लाएगी।
तो रात के 8 बजे हम लोग यहाँ आए थे और अब बज रहा है सुबह का 4:15। लगातार यहाँ जितने भी किसान थे, कोई सोने जा रहा था तो कहीं गाने बज रहे हैं, डांस चल रहा है, तो किसान कहीं आग ताप रहे हैं, कहीं हुक्का चल रहा है। इन लोगों से हमने बात की और जानने की कोशिश करी कि किस तरह से इनके एक परिवार वाले जब ये यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं तो घर में आशंकित नहीं हैं, चिंता में नहीं हैं। इनसे हमने बात की और इनको और करीब से समझने की कोशिश की और यहाँ से जाते जाते आवास की टीम ये उम्मीद करती है कि जल्द ही सरकार और किसानों के बीच बात बने और जल्द ही इस मसले का समाधान निकले और किसान राजी खुशी हंसते हंसते अपने घर वापस जा सकें।